दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश, लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान है। इससे पहले भी कई वीडियो में आपने देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई प्रकार के चमत्कार हो चुके हैं। सबसे पहली बार लोगों ने जब गिद्धों का झुंड अयोध्या के आसपास देखा तो पहली बार तो यह बात नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में लोग इन्हें जटायु के वंशज कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा अयोध्या के आसपास बंदरों का झुंड भी दिखा था, लेकिन अभी जो हम आपको चमत्कार दिखाने जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। और जब आप इसकी सच्चाई जानोगे तो आप भी राम जी के पक्के भक्त हो जाएंगे। क्या वाकई में लव और खुश अयोध्या नगरी पहुंचे हैं? क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही लव और कुश दोनों भाई पहुंच गए हैं? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाकर आपके सामने सच्चाई लाने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय 12:20 तय किया गया है। जिस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाना है उसका वजन करीब 200 किलो है भगवान राम की। यह प्रतिमा 5 साल के बच्चे के स्वरूप की होगी। गुजरात से एक ट्रेलर पर 5500 किलो का ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है, जो इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको एक ट्रक के अंदर लाया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात से 500 किलो का नगाड़ा पहुंचा है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। 2400 किलो का एक घंटा पहुंचा है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मंदिर के अंदर बजाया जाएगा। आखिर इतने बड़े घंटे को कारीगरों ने कैसे बनाया था? इसके अलावा 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंची है। 7 दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनाकर तैयार किया गया है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1100 किलो का दीपक भी बनाकर गुजरात से अयोध्या भेजा है? दोस्तों, यह सभी चीज इतनी ज्यादा अलग कि लोग दूर दूर से देखने को भी पहुंच रहे हैं। और होगा भी क्यों नहीं, करीब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसकी अयोध्या से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों, कोई भी मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आखिर कोई मंदिर की कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसके अलावा यह भी बताएंगे कि कैसे लव कुश अयोध्या में प्रकट हुए। इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और मित्रों, जब खुद प्रभु श्री राम लंबे टाइम बाद अयोध्या पधार रहे हैं तो भला उनके दोनों बेटे पीछे कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी थी, यानी जब उन्होंने जल समाधि ले ली थी, उसके बाद सारा राजपाठ लवकुश के पास चला गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने जल समाधि क्यों ली थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान श्री राम को जल समाधि लेनी पड़ी? दोस्तों, बताया जाता है कि यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यहां पर यमराज एक चाल चलते हैं। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे।
भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए, कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे, भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते घुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और वही दोस्तों, लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुद पीएम मोदी के आने के कारण तैयारियों को भव्य रूप दिया जा रहा है। देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या आने और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। वीआईपी के आगमन के कारण उस दिन 50 से ज्यादा छापर और 100 से ज्यादा विमान यहां पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। आम लोगों को परेशानी न हो, इसलिए उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने की अपील की गई है। दोस्तों, जिस नगाड़े की वीडियो की शुरुआत में बात की थी, उसके बारे में आपको बताते हैं। इस नगाड़े को बनाने वाले डगबर समाज के 4 लोग श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसे मंदिर में बजाएंगे। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। 500 किलो के इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे का इस्तेमाल हुआ है, ताकि नगाड़े को हजारों वर्षों की उम्र दी जा सके। ये नगाड़ा गुजरात से एमपी होते हुए अयोध्या पहुंचा है। 22 जनवरी को और उसके बाद इसकी गूंज श्री राम मंदिर में सुनी जा सकेगी। मगर जिस घंटे को राम मंदिर में ले जाया गया है, उसको बजाने के बाद उसकी धुन को 2 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े घंटे को आखिर बनाया किसने है। बताया जा रहा है कि एटा के कारीगरों ने इस घंटी को बनाया है, जो वजन में करीब 2400 किलो भारी है। घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से यह घंटा अयोध्या पहुंचा है। अष्ट धातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ में अयोध्या लाए हैं। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इस घंटे की आवाज शांत माहौल में करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों, श्री राम मंदिर को महकाने के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या ले जाई जा रही है। भरतपुर से होते हुए आगरा के फतेहपुर सीकरी और किरावली पर यह धूप बत्ती पहुंची। इसके पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में लोग हाईवे पर पहुंच गए और धूप बत्ती को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वडोदरा से शुरू हुआ सफर धूप बत्ती की शोभा यात्रा में बदल गया है, जिसका वजन 3110 किलो है, जो इतनी ज्यादा बड़ी है कि बहुत संख्या में लोग सड़कों पर इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार कारीगरों ने इस पर 6 महीने काम किया, तब जाकर यह धूप बत्ती बनकर तैयार हुई है, जिसे गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है। इसे बनाने में कई प्रकार की जड़ी बूटियां का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि यह 1.5 महीने तक लगातार ऐसे ही जलती रहेगी, और यह भी कहा जा रहा है कि इसकी सुगंध कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकेगा।
इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह गुजरात से अयोध्या पहुंच ध्वज दंड है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वज दंड सोमवार को अयोध्या पहुंच गया है। यह ध्वज दंड राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगाया जाएगा। 44 फीट का ध्वज दंड जमीन से 220 फीट ऊंचाई पर लहराएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियरिंग कंपनी ने 9 महीने में इस ध्वज दंड को तैयार किया है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल से अयोध्या एक बहुत बड़ा काफिला पहुंचा है, जिसके अंदर करीब 3000 उपहार अयोध्या पहुंचे। नेपाल के जनकपुर में मां सीता की जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। चांदी के खड़ाओं, आभूषण और कपड़ों सहित तमाम उपहारों को इस सप्ताह जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में अयोध्या लाया गया। इसके अलावा दोस्तों, राम मंदिर के लिए स्पेशल घड़ी भी डिजाइन की गई है। लखनऊ स्थित एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से एक ऐसी घड़ी डिजाइन की है जो एक ही समय में 8 देशों का समय बताती है। राम मंदिर के अंदर जितनी भी चीजें पहुंची है वह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मंदिर के लिए ताला और चाबी पहुंचे हैं, जिसकी साइज जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंचे, 4.6 फीट चौड़े, 9.5 इंच मोटे और 400 किलोग्राम वजनी ताला चाबी तैयार किया है। उन्होंने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। मैंने इसे राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया है ताकि इसे मंदिर में प्रतीकात्मक ताले के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में डिजाइन पूरा किया है। इस हार को राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, 1100 किलो का दीपक तैयार किया गया है। वडोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक तैयार किया है। इसकी क्षमता 851 किलोग्राम घी की है। दीपक पंच धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से बना है। और दोस्तों, यह सब चीज देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है, वहीं प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को देश भर के 121 पंडित संपन्न करेंगे। इसके साथ ही 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार हो रहे हैं। प्रत्येक हवन कुंड से खास महत्व और उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।